नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो बात करें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता क्या है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यानी कि बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन के आप अगर रिलेशनशिप रखती हैं तो उसे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स कहा जाता है। तो इसके अंदर जो चांसेस ऑफ आपके जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं। अब यह जाने कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता क्या है, किस तरह से, किस कंडीशन में आप इसे कहेंगे। हो सकता है आपने इस साइकिल के अंदर अपनी पिल्स लेना आप भूल गए हैं, बीच में गैप हो गया है, आपने इरेग्युलर ली है, या हो सकता है अगर आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स यूज कर रहे हैं तो वह रप्चर हो गया है, टियर हो गया है या स्लिप कर गया है, या फिर आजकल का जो ट्रेंड है वन नाइट स्टैंड जैसा है, या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई फोर्सफुल इंटरेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से जो चांसेस हैं आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी, एसटीआई, यूटीआई के बढ़ जाते हैं। चाहे वह एक सिंगल एपिसोड हो, फर्स्ट टाइम हो रहा हो, या आपका जो रिलेशनशिप है वह सेफ पीरियड में हुआ हो, या फिर इजैक्युलेट बाहर हुआ हो, किसी भी कंडीशन को हम फुल प्रूफ नहीं कह सकते हैं और सब में चांसेस हैं कि आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी या एसटीआई या यूटीआई हो सकता है। तो इसके लिए जो है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आपके एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, ओरल, वजाइनल, एनल, किसी भी तरह का। तो सबसे पहले हम बात करें कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को किस तरह से रोका जा सकता है। इसके लिए आप जो है जरूरी है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप आप अच्छे से वॉश कर लें, शावर कर लें और यूरिन पास करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इमीडिएटली वह आपको एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडवाइस करेंगी। इनफैक्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, आप मेडिकल स्टोर में या इजीली अवेलेबल होती है और आप ले सकते हैं। विद इन 3 डेज, विद इन 72 आवर्स के अंदर आपको यह टैबलेट लेनी होती है और जितना जल्दी आप यह टैबलेट लेंगी उतना ज़्यादा इसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। अगर 2 घंटे के अंदर आपने वॉमिटिंग कर दिया है तो इस टैबलेट को रिपीट कर लीजिए। इसमें जो है मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि आई पिल है या प्लान बी है, अनवांटेड पिल है, मॉर्निंग आफ्टर पिल है, कई सारे नामों से आपके ये मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। और अगर जैसा मैंने बताया इसके साथ में वॉमिटिंग, नौजिया, ब्लोटिंग, यह सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या 4-5 दिन के बाद में आपको ब्लीडिंग हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यह बात आपको बता दूं कि यह कोई अबॉर्शन पिल नहीं है, यह कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। इसलिए अगर आपको सिमिलर साइकिल के अंदर, सेम साइकिल के अंदर आपका अगर ऐसा ही एपिसोड हो जाता है अनप्रोटेक्टेड, तो आपको यह पिल दोबारा लेनी होगी। और अगर इस तरह से आपको बार बार अगर पिल्स यूज करनी पड़ रही है तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको कहना चाहूंगी आप एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ऑप्ट करें। अब बात करते हैं और एक टेक्निक है IUCD, जो कि आप विद इन 5 डेज जो है आफ्टर इंटरकोर्स आप यूज कर सकते हैं। इसका जो एफिकेसी है काफी अधिक होता है। इसके कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जैसे कि सस्पिशियस प्रेगनेंसी है या मेलिग्नेंसी है या कोई इन्फेक्शन है, फाइब्रॉइड है, उस कंडीशन में IUCD नहीं लगाया जाता है। और इसके लिए जो है आपको आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप आप एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर आपका पीरियड मिस होता है तो उससे आपका जो प्रेगनेंसी का जो चांस है वह रूल आउट हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी होगी तो कार्ड टेस्ट के अंदर आपको तुरंत 2 लाइंस दिखाई दे जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं
उसको आपको अवॉइड करने के लिए अच्छे से, जिस तरह से पहले बताया, शावर ले लीजिए, अपने जो जेनाइटल एरियाज हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, यूरिन पास कीजिए, डूशिंग जो है आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है वह बढ़ जाता है। एसटीआईज के सिम्टम्स जो हैं कुछ हफ्ते कुछ महीनों के बाद दिखाई देते हैं। अगर आपको अपने ओरल वजाइनल एनल एरिया के अंदर कुछ अलग से लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें, आप उसका ध्यान रखें, और इमीडिएटली आफ्टर इंटरकोर्स आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप एचआईवी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पीईपी अवेलेबल होती हैं मेडिसिंस, आप उनका जो है उनको फुल कोर्स कंप्लीट करें, उनसे जो चांसेस ऑफ जो रिस्क है आपका जो इन्फेक्शन का वह थोड़ा कम होता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे गोनोरिया है, क्लमाइडिया है, हर्पीस है, एचपीवी, हेपेटाइटिस है, इसके सिफिलिस है, यह सब जो है आपको इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। इनके जो सिम्टम्स हैं कुछ हफ्तों के बाद में अपियर होते हैं। इनमें हो सकता है आपको रैशेस हैं, सोर्स हैं, बॉयल्स हैं, पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं, ग्रोथ है किसी प्रकार की, वजाइनल डिस्चार्ज है, पेन ड्यूरिंग यूरिन पास करने के दौरान आपको पेन होता है, या ब्लीडिंग हो रही है, फीवर है, स्टमक के अंदर, लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन है, टेस्टिकल्स के अंदर पेन है। ये कुछ तरह के सिम्टम्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसा पहले बताया मैंने, अपने ओरल वजाइनल एनल पार्ट में कोई भी अनयूजुअल सिम्टम अगर आपको दिखता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। जब आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएंगी तो वह जो है पूरा सेक्सुअल हिस्ट्री आपकी पूछेंगी, और उसके बाद में आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, स्वैब टेस्ट होगा। यह सब टेस्ट जो है आप 3 मंथ्स के बाद में दोबारा रिपीट करें और अपने सिम्टम्स के बारे में ध्यान रखें। इसके अलावा जो है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस भी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में काफी अधिक बढ़ जाते हैं। इसके लिए आप अच्छे से शावर लें, यूरिन पास जरूर करें, अपने जो वजाइनल एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करें। नॉर्मल वाटर से क्लीन करने से ही सफिशियंट है, आपको इसके लिए कोई डूश या कोई सोप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और भरपूर मात्रा में पानी लें, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, अगर वो जो भी आपको टेस्ट देते हैं, यूरिन टेस्ट है और जो भी एडवाइस करते हैं मेडिसिन, आप उनका कंप्लीट जो है कोर्स करें। कंप्लीट रूप से आप दवाइयों का सेवन करें रेगुलर रूप से। इनकम्प्लीट कोर्स करने से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है और री इन्फेक्शन वो काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं, इसलिए आप उनको जो है प्रॉपरली दवाइयों का कंप्लीट कोर्स करें। तो आशा करती हूँ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए वह आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।